आदाब, आप सभी का इस्तकबाल करती हूं मैं रेणु भट्ट। आप देख रहे हैं पीएम ए विद्या चैनल, चैनल नंबर 4 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अपने सभी नासरीन को हम बता दें कि उर्दू का सबक लेकर आए हैं हम चौथी जमात के तलबा के लिए, और आज का हमारा मौजू है किसान। और आपको इस मौजू पर विस्तार से मालूम फराहम कराने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे माहिर, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आप हैं मिस मुनजा कयूम, आप फॉर्मर JPF हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस NCERT से आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया आपका जी। और अपने सभी तलबा तालिबात से हम मुखातिब होते हुए कहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए, अपने सभी सवालात के साथ हमसे जुड़ सकते हैं आप हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है dth.class4@cit.nic.in। और इन केस आप हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो वहां पर आप चाहेंगे लाइव चैट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे। इन तीनों माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ें ताकि इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में आपका पार्टिसिपेशन हो। तो हम मैम आपकी तरफ रुख करते हैं, और जैसे हमने बताया अपने सभी तलबा को कि हम किसान मौजू पे बात करने वाले हैं, तो क्या कुछ खास है आपके पास हमारे बच्चों के लिए? देखिए, जो NCERT की किताब है, चौथी जमात की किताब, इस किताब में शामिल एक सबक है, आठवां सबक है, जिसका उनवान ही है किसान। किसान जो है वो हमेशा मतलब हर जगह पे, अगर हिंदुस्तान को हम देखेंगे तो हिंदुस्तान का वो जो कल्चर है देहाती है, बाकी सारी चीज़ें जो है, और जो किसान होता है, क्योंकि NCERT ने एक सबक किसान रखा ही है उर्दू किताब में, ताकि हर एक बच्चा इस सबक से ये सीखे कि एक मजदूर, एक किसान की अहमियत कितनी है। अगर हम देखेंगे हमारे माशरे में, हिंदुस्तान में, हर मुल्क में अगर हम देखेंगे, किसान को कहा ही जाता है कि ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और इनको कहा ही जाता है फादर ऑफ फूड प्रोडक्शन। जैसे पहले हल बोते, हल चलाते थे सब्जियां उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए, जितनी भी चीज़ें उगाते थे, फसल उगाते थे, पूरी साल अपनी मेहनत मशक्कत करके ज़िंदगी गुजारते हैं, और बहुत बहुत मशक्कत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी जो ये फसलें उगाते हैं उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं तब भी कि ये आगे भी जाएं, और बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं कि इनको उसका 100% मिले, और जबकि वो मिलता भी नहीं है। कभी इनको चोरी का खतरा भी होता है, चोर भी आ सकता है, आंधी है, धुंध है, बहुत बारिश है, बर्फ गिरती है, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो होती है, इनसे भी इनके बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब जबकि किसान जितनी उनको आगे बढ़ना है, या अब बहुत सारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारी कोशिशें भी करता है कि नई मशीनें ईजाद करना, बाकी सारी वो सीड्स बनाते हैं जिसको हाइब्रिड कहते हैं, और किसानों को देता है, और किसान उन चीज़ों को उगाता है, बाकी सारी चीज़ें देखता है। और अगर हम देखेंगे हर एक मुल्क के, अगर देखेंगे हम हिंदुस्तान के मुल्क का जो इकोनॉमी की जो बात करें अगर हम, तो ये इसका एक अहम हिस्सा है। किसान उस इकोनॉमी का, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये अनाज उगाना, फिर उसको सब हर जगह पे वो एग्रीकल्चरल वो परफॉर्मा, वो सारी चीज़ें करना, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड्स में भी अब ग्रीन हाउस गैसेस का कर रहे हैं इस्तेमाल, वहाँ पे अनाज उगाते हैं, वहाँ पे सब्जियाँ उग जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उग जाती हैं। तो इस वजह से अगर हम देखते हैं कि अगर एक किसान होगा, उनको फिर उनके पास इतने ज़राया नहीं होते हैं, तो उनके पास जब ज़राया नहीं होते हैं, अगर किसी उनको इतना पता भी नहीं, उनको उतनी उनकी उतनी ये नॉलेज भी नहीं होती है कि हम इंश्योरेंस करें। अब जिनके पास ये नॉलेज होती है कि वो इंश्योरेंस करें, किसान अपने फसलों के वो उन चीज़ों को, अपने ज़मीन का इंश्योरेंस करे, कभी इनकी चोरी हो सकती है, किसी ने फसल में आग लगा दी आंधी धुंध की वजह से, तूफान की वजह से इनको वो फसलों में और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, तो इनका क्या होता है, ये अगर इंश्योरेंस करना भी चाहें, जिसकी नॉलेज में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जिनके इल्म में ये चीज़ें होंगी, लेकिन उनके पास इतने ज़राया भी नहीं होंगे कि वो इंश्योरेंस करे और उसका एक फ़ायदा उठाए। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसानों के लिए अलग सी चीज़ें रखती है, लाइक उनको
लोन देते हैं और उस पर कम इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, उससे भी किसान फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि अब हर स्कूल में जैसे हर कोई दिन मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, जैसे उस्तादों का दिन मनाया जाता है, पेरेंट टीचर्स डे मनाया जाता है, पेरेंट्स डे मनाया जाता है, विमेन डे, मदर्स डे, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें जब मनाई जाती हैं तो इसके बाद एक किसान का दिन भी मनाया जाता है जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे कि स्कूल में, हर एक स्कूल में हम ये करते हैं, हर स्कूल में फंक्शन होता है हर दिन पे, हर जगह पे। इस तरह अगर स्कूल, अब धीरे धीरे हर स्कूलों में इन चीज़ों पे भी बात कराई जाती है, प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ताकि किसानों की इन सारी चीज़ों की अहमियत बच्चों तक पहुंचाई जाती है, तो ताकि किसान भी उस मोहब्बत, उस इज्जत के मुस्तहिक होते हैं जिसके हमारे माशरे में रहने वाले हर हिस्से के आदमी, हर पार्ट के लोग, हर जगह के लोग वो बहुत जैसे मुस्तहिक होते हैं, ऐसे किसान भी हमारी लाइफ में हद से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि अनाज उगाना, शहर गाँव पहुँचाना, फिर बेचना, और वह अपना बनाते खाते पीते जिस, और उसमें भी अपनी खुशी का ही इजहार करते हैं जी। तो मैम, हम अब अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से चाहेंगे इसके जरिए कि आप हमारे बच्चों को बताएं जी। इसलिए जो कि प्रेजेंटेशन है हमारा, जो कि मैं स्लाइड चलाऊंगी और दिखाऊंगी कि बच्चों को किस हिसाब से इन चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे बेल हल चलाते हुए किसान दिखाए गए हैं इस तस्वीर में। हम देखते हैं जैसे कि हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है, यहाँ की 70% आबादी गांव देहात में रहती है। ज़्यादातर लोगों का पेशा खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। किसान अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है, वो साल भर खेती के काम में लगा रहता है और हर तरह की फसलें उगाता है, जैसे गेहूं, चावल, दालें, दलहन, गन्ना, कपास, सब्जियां और फल फूल वगैरह। ये फसलें अलग अलग मौसमों में उगाई जाती है, चिलचिलाती धूप हो या रिमझिम बरसात या फिर कड़ाके की सर्दी, वह हर मौसम में अपने खेतों में काम करता है। फसल बोने से पहले किसान खेत की जुताई करता है। खेतों की जुताई के लिए किसान पुराने ज़माने से ही हल बैल का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो ट्रैक्टर और नई मशीनों का इस्तेमाल भी करने लगा है। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो किसान इसमें बीज डालता है। फसल उग आती है तो वो इसकी सिंचाई और निराई करता है। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद भी डालता है। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उसकी कटाई करता है और उसमें से अनाज निकालता है। उसी की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांवों और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती है। जैसे कि यहाँ पे दूसरी एक तस्वीर दिखाई गई है कि कैसे किसान अपने फसलों को उगाकर ये सारी चीज़ें करता है और आखिर तक इन फसलों को तैयार करके गांव शहर तक पहुंचाता है। किसान मवेशी भी पालता है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और बेड वगैरह। मवेशियों से हमें दूध, गोश्त और खालें जैसी कारामद चीज़ें हासिल होती हैं। बैल और भैंसें से किसान हल जोतने, गाड़ी खींचने और बोझ ढोने का काम कर लेता है। किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है, उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। वो मोटे छोटे कपड़े पहनता है। उसकी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त से भरी होती है। कभी वक्त पर बारिश न होने से उसकी फसलें सूख जाती है, कभी अच्छे बीज, खाद और सिंचाई की कमी की वजह से भी फसलों की पैदावार कम हो जाती है। इस तरह खेतीबाड़ी में जितनी पूंजी और मेहनत वो लगाता है उसका फ़ायदा उसे पूरी तरह नहीं मिल पाता। उसे खेती के लिए साहूकारों और महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन अच्छी पैदावार न होने पर उसे कर्ज की अदायगी में दुश्वारी होती है और वो कर्ज के बोझ तले दबा चला जाता है। अगरचे सरकार की तरफ से किसानों को सहूलतें भी दी जाती हैं,
जैसे कम कीमत पर बीज और खाद वगैरह की फराहमी, सरकार सिंचाई के लिए नहरों के जरिए पानी और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली भी मुहैया कराती है, किसानों को बैंक से कम सूद पर कर्ज की सहूलत भी हासिल है। इन सहूलतों की वजह से किसानों की हालत में कुछ बेहतरी तो ज़रूर आई है, लेकिन सच ये है कि किसान जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसे सिला नहीं मिलता, वो इतनी मशक्क़त के बावजूद खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजारता है। हमें किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, वो इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। इसमें कुछ अल्फाज माने हैं जिनके जो सख्त अल्फाज आए इसमें, जो सख्त लफ्ज़ है उनका माना है, जैसे पेशा है जो मखसूस काम जिसको किसी काम के लिए चुना जाता है, या वो काम जो माश के लिए इख्तियार किया जाता है, सिंचाई, खेतों, दरख्तों और बागों में पानी देना, निराई खेत और बाग से घास फूस निकालना, मवेशी जानवर को कहते हैं, मशक्कत, कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्डवर्क को कहा जाता है, सैलाब, बाढ़, साहूकार जो कर्ज देने वाला होगा या महाजन पैसे देने वाला व्यापारी जो होगा, सिला बदले को कहते हैं, खस्ताहाली जो बदहाली की ज़िंदगी। जैसे गौर कीजिए, एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, हमारा हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर गांवों देहात का मालिक है, यहाँ किसान की बहुत अहमियत है। पुराने ज़माने से ही हमारा मुल्क ज़रई पैदावार की वजह से खुशहाल मुल्क रहा है, इसी वजह से उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। उस खुशहाली का सहरा किसान के सर जाता है, इसलिए किसान का खुशहाल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। उसके बाद बच्चों के लिए मश्क दी गई है, जो कि बच्चे ये सबक एक बार फिर से पढ़कर इनके जवाब लिखेंगे और सोचेंगे, जैसे हिंदुस्तान की असल पहचान क्या है, देहात है, इसी तरह दो तीन चीज़ें पूछी गई है जो बच्चे इसका जवाब लिखेंगे, जैसे और एक दो और दो तीन सरगर्मियां हैं जो बच्चे इस पे देखेंगे और ये सरगर्मियां करेंगे। बाकी जो हम इससे बच्चों को और भी, जैसे कि खाली जगह हैं, इनमें हिंदुस्तान की असल पहचान गांव ही हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोगों को किसान कहते हैं, उसका घर ज़्यादातर मट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है, सरकार की तरफ से किसानों को सहूलतें भी दी जाती हैं, इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं इसमें और चीज़ें होंगी जो कि जैसे ये नीचे दिए गए ये जुमले पढ़ने हैं और इनमें से यह चीज़ें दिखाना, ताकि बच्चों को ये चीज़ें समझ आएंगी। मैम तकरीबन 10 मिनट का समय और हमारे पास है जी, तो हम चाहते हैं कि आप ये विस्तार से बताएं हमारे सभी बच्चों को, तलबा को, कि कौन कौन सी मश्क करके वो और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और मालूमात आप देने के लिए हैं, तो कुछ ऐसी बातें या मश्क जिन पर दोबारा आप रोशनी डालना चाहें। जी, जो जितनी भी चीज़ें हमने देखी इसमें, किसान को किस किन मरहलों से गुजरना पड़ता है और कितनी सारी चीज़ें करना पड़ती है और अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ता है ताकि वो गांव शहर के लोगों के लिए फसलें, खाना पीना, अनाज मुहैया करता है। अगर वो हम देखेंगे गेहूं निकालना, फिर उसकी फसल को उगाना, वो उसको पकना, फिर वो निकलवाना और बाकी सारी चीज़ें, फिर वो ब्रेड की शक्ल में हमारे सामने आता है, जैसे गन्ना है वो हम जूस बना पीते हैं उसका, उसकी मिठाई बनती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। इस तरह अगर हम अपने ये बच्चों को देखेंगे हर स्कूल में, जैसे कि हर दिन मनाया जाता है, हर दिन के लिए अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है, हर स्कूल में बच्चों तक प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, बच्चों से मजमून लिखवाए जाते हैं, पढ़वाए जाते हैं, इसी तरह अगर किसान के दिन पर भी, जैसे 23 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, तो उस दिन भी बच्चे ये सारी चीज़ें अपने एक मजदूर की अहमियत, एक किसान की अहमियत समझ सकते हैं, ताकि उनको कितनी कड़वाहट चीज़ों से, उनको कितने दुश्वार गुजार चीज़ों से गुजरकर वो सारी चीज़ें करना पड़ते हैं, जिस चीज़ से हर कोई शायद शहर का जो या जिन चीज़ जो बच्चे जो गांव में भी रहते हैं लोग, जो इस चीज़ से ना गुजर सके हों और जिनको ये चीज़ें बहुत आसानी से मुहैया हो, बहुत आसानी से दस्तियाब हो, और वो चीज़ें जो हैं उन तक दस्तियाब करने के लिए एक किसान का ही हाथ है। जैसे कि कहा भी जाता है कि किसान को ये रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, और इनके बिना ज़िंदगी शायद ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। किसान ही वो है कि जो हमारे खाने पीने का एहतियात, जैसे सब्जियां, फल, फूड,
ये चीज़ें जो है हमारे पास जो पहुंचते हैं वो किसान की ही बदौलत पहुंचते हैं। किसान जितनी भी मेहनत करता है, जैसे वो खाद की मेहनत करता है कि कहीं फसल को कीड़ा ना लग जाए, कोई बीमारी का शिकार ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, उसके लिए वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, खाद का इस्तेमाल करता है। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी सहूलियतें भी जो है वो दिखाई जाती है कि वो उनको दी जाती है और उन सहूलतों का वो फ़ायदा उठाते हैं कि और आगे बढ़ाते हैं और उस वक्त वो ज़मीनों में अपनी मिट्टी को जरखेज़ बनाते हैं और ज़मीनों में इस्तेमाल करके फसल उगाते हैं। और मैम यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मश्क हम देख रहे थे आपके प्रेजेंटेशन में, जो बच्चे पूरा भी नहीं देख पाए, हम चाहते हैं कि आप दोबारा प्रेजेंटेशन में जाएं और जितने भी मश्क बच्चों के लिए है, तलबा के लिए है, आप उन्हें तफसील से बताएं हमारे सभी तलबा को। जी जी, ये जो है कि उनके यहाँ जैसे ये हिंदुस्तान की असल पहचान जो है कि जो देहाती है, जो बच्चों के सबक में ही ये सारी चीज़ें जो होती है दी गई होती है, और इसी में जो अच्छी पैदावार के लिए किसान को क्या करना पड़ता है, वो खाद का इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट की सहूलतों का फ़ायदा उठाकर मेहनत करता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से उगाता है और हम तक पहुंचाता है। किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, यानी कि हमने अभी पढ़ा कि किसान की ज़िंदगी बहुत सादा होती है और वो बहुत मेहनत और मशक्कत से काम लेके ज़िंदगी गुजारता है। मैम ये एक्टिविटीज़ जो है हम कर चुके हैं, इसके थोड़ा आगे बढ़ें हम। जी जो जैसे कि सबक में तीन मौसमों का जिक्र है, हर मौसम की एक ख़ास बात लिखी है। जैसे सर्दी में जो है रिमझिम पानी जो बरसता है वो चीज़ें हैं, और किसान उस सर्दी में भी काम काज अपना मेहनत और मशक्कत जारी रखता है, गर्मी में भी बहुत खून पसीना करके अपना वो अपना काम मेहनत मशक्कत वो खून पसीना एक करके अपने ज़मीन में जाकर अपना वो फसल उगाने में मशगूल रहते हैं। इसी तरह बरसात के मौसम में भी जैसे पानी, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी कुछ, और उसमें भी तूफान आंधी दोनों कुछ भी हो, उसमें भी अपने किसान मेहनत और मशक्कत से अपने फसल का जिम्मेदार रहता है और उस अपने फसल से उतनी मोहब्बत करता है, उगाता है और एक मेहनत का फल लेता है आखिर पर। तो इसी तरह इस पैराग्राफ में से नीचे दिए गए सवालों के जवाब खाली जगह में लिखिए। जैसे अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद डालता है, फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है, सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाओं पर उससे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो इसकी कटाई करता है और इसमें से अनाज निकालता है, उसी की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांवों और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हिंदुस्तान की असल पहचान जो वो है गाँव है, खेतीबाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। सरकार की तरफ से किसानों को सहूलतें भी दी जाती हैं। इसी तरह पढ़िए, समझिए और लिखिए, नीचे लिखे हुए जुमलों को पढ़िए। जैसे फिरोज़ आम खा रहा था, इस जुमले में फिरोज़ जो है वो क्या है, फिरोज़ एक लड़के का नाम है। इस जुमले में आम क्या है, आम एक फल का नाम है। एक और जुमले को देखिए, जैसे पिंजरे में एक तोता है, तोता एक परिंदे का नाम है और इसी तरह पिंजरा एक चीज़ का नाम है। इसी तरह खाली जगह, ख़ास शख्स, ख़ास चीज़, इसको इसमें खास जो कोई ख़ास चीज़ होती है उसको ख़ास चीज़ जो होती है उसको उसके नाम को इस्म खास कहते हैं। उसी तरह इस्म को उसी को इस्म मौरिफा भी कहते हैं, किसी आम जगह, आम शख्स और आम चीज़ के नाम से मुराद हो उससे इसमें आम कहते हैं, उससे इसमें नकरा भी कहते हैं। जैसे इसमें नकरा में और इसमें मौरिफा में जैसे हमने देखा बच्चों को कहा कि किसी खास जगह, कोई खास जगह हो, कोई खास शख्स हो और कोई खास चीज़ हो, उनके नाम जो होते हैं इसमें खास होते हैं। जैसे कि इस्म जो होते हैं इसमें अगर हम देखेंगे, किसान इस्म है क्योंकि नाम है। इसी तरह इसमें मौरिफा भी कहते हैं, आम जगह जो होती है आम शख्स होता है, आम चीज़ होता है, जैसे कि बीज, ट्रैक्टर, गन्ना, शहर एक खास है, नाम है, खास चीज खास में आएगा।
इसी तरह दूध एक चीज़ का नाम है, सर्दी बरसात ये सारी चीज़ें जो है ऐसे जैसे गेहूँ किसान नाम है, अनाज जो है ये मौरिफा में चीज़ें आएंगी क्योंकि ये आम चीज़ें हैं जिनको हम जिनको बच्चे देख पाते हैं और अपने मशक कर भी सकते हैं। इसी तरह जो बाज़ अल्फाज जो हैं कि जो दो लफ्ज़ों का मजमू है ऐसे अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं, जैसे चीख पुकार जो दो लफ्ज़ मिलते हैं उनको मुरक्कब कहते हैं, जैसे नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाइए, जैसे शोर शराबा खेती बाड़ी खून पसीना कीड़े मकोड़े, जैसे खाने पीने मोटे छोटे चीज़ें जो है ये जो मश्क है कि बच्चे देख भी पाते हैं। इसी तरह नीचे बनी हुई तस्वीरों पर दो जुमले लिखिए, जैसे पुराने ज़माने में पहले पहल जब मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता था तब खेत मजदूर किसान अपनी हल चलाता था, हर मौसम में हल चलाता था और खेत की जुताई करने के बाद हल चलाता था। अब ट्रैक्टर है, जैसे कि ट्रैक्टर किसान आजकल अक्सर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है और ज़मीन को ज़रखेज़ बनाता है। ट्रैक्टर का रंग जो है ये ट्रैक्टर लंबा भी है और इसका रंग सुर्ख भी है। इसी तरह अब जो तीसरा जुमला है ये जो है गाड़ी कहते हैं इसको, वो खेती बाड़ी करने की, तो इसको ये जो है कि हम किसान अक्सर इन चीज़ों का लाभ उठाता है, उनकी मेहनत तो उनको मजदूरी तो उनको तब भी करनी पड़ती है लेकिन इन चीज़ों को लेकर इससे वो थोड़ा सा उनको राहत मिलती है। इसी तरह उनका जो घर दिखाया गया है गांव की एक तस्वीर दिखाई गई, लाइक वहाँ पे ये सीधी सादी है और छत मकान के जो है ऐसे है कि गांव के मकान दिख रहे हैं और इनका छत और वहाँ पे आसपास पेड़ भी है जहाँ पे छाँव भी है और जहाँ पे देखने के लिए उनकी सादा ज़िंदगी के साथ साथ उन्हें खुशगवार माहौल भी है जो कि साफ़ सुथरा है। जी मैम, ये बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे इस एक्टिविटी के बारे में, जो कि इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़िए और खुशखत लिखिए। खुशखत लिखने का मतलब होता है कि इनको वापस लिख दीजिए कि एक जैसे बच्चों को हम एक इमला देते हैं या कुछ देते हैं या पेज देते हैं, जैसे कि उनको वापस लिखना, जैसे खेत है बीज है बोझ है फसलें हैं कीमत है, इन चीज़ों को ही बच्चों को अपनी कापी पर लिखना है और प्रैक्टिस करना है। जी तो बच्चों ये तो रही एक्टिविटीज़ आप सभी के लिए और हम आशा करते हैं कि आप ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे और इससे आपकी उर्दू ज़बान भी अच्छी होगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन हम अपनी विशेषज्ञ कयूम मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे चौथी जमात के तलबा के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी किसान मौजू पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, हम ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे जो है वेबिनार। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए PM ई विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत, नमस्कार।